अध्यक्ष के पंप को लूटने की थी योजना। पुलिस ने घेराबंदी कर घर दबोचा, 5 बदमाश पकड़ाए, हथियार भी बरामद। चेहरे पर नकाब पहने पुलिस हिरासत में खड़े ये बदमाश धर्मेंद्र, संतोष, राहुल, सूरज और संदीप हैं। ये सभी भाजीमो नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला के सावे रोड स्थित काका श्री पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। इसकी सूचना मुखबिर से पुलिस को मिली और पुलिस पूरे दलबल के साथ रेवती इलाके में पहुंच गई। पुलिस टीम को देख बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक पिस्टल, एक तलवार और 3 चाकू बरामद किए हैं। सभी बदमाश आदतन अपराधी हैं और उन पर कई प्रकरण दर्ज हैं। तो कल एक सूचना मिली थी कि कुछ लड़के, 5 लड़के, इसमें धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो गैंग ऑपरेट करता है सुपर कॉरिडोर पर लूट के, वो आज रात में जो 12 बजे कलेक्शन होगा काका पेट्रोल पंप पर, उसको छिना के लूट के भागेगा। 5 लड़के हैं, रेवती में बैठेंगे। हम लोग इस सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को बताए, उनसे निर्देश प्राप्त किए, फिर जब रात में दबिश दिए तो इन 5 लड़कों को पकड़ा, जिनके नाम धर्मेंद्र, संतोष, संदीप, राहुल व सूरज मिले। इनके पास एक कट्टा मिला, तलवार मिली, 3 चाकू मिले। इनने स्वीकार किया कि ये जब रात में पैसा इकट्ठा हो जाता है पंप पर, तब ये इसको लूट लेते हैं। इन बदमाशों ने कुछ दिनों पहले ही एक कार पर पत्थर बरसाकर कार चालक से 8,400 रुपए लूट लिए थे। ये रुपए भी पुलिस ने बरामद किए थे। जब हमने इनसे पूछताछ की तो उन्होंने 31 तारीख को ही घटना की भी स्वीकार किया है कि उन्होंने उसको रोककर लूटपाट की थी। आज बरामदगी कर रहे हैं, उनसे हम करेंगे। इन्होंने अन्य घटनाएं भी स्वीकार की हैं, इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी रहती थी, अकेले में रोककर ही लूट लेते थे। पंप लूटने से पहले पुलिस की कार्रवाई को पंप कर्मियों ने पुलिस की सजगता बताया है। साथ ही उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि पंप पर 2 गार्ड पूरे समय रहते हैं। हमारे पास ATM है, वहाँ सिक्योरिटी है, हमारा कुत्ता एक सिक्योरिटी वाला रहता है रात में, है ना। बाकी और व्यवस्था सब लड़कों के पास जैसे रहते हैं तो सब जागृत रहते हैं, 24 घंटे पंप चालू रहता है, रोड चालू है, आसपास जैसे कॉलेज हॉस्टल है तो आना जाना लगे रहता है लोगों का। बदमाशों का ये गिरोह सुपर कॉरिडोर पर रात के समय गाड़ियां रुकवाकर लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें से कुछ की शिकायत पुलिस को की गई है, जबकि कई मामले की पुलिस को शिकायत भी नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़, इंदौर।